कब आएंगे हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 के फॉर्म्स इसको लेकर एक बहुत बड़ा आ, मुझे लगता है कि क्यूरोसिटी है जो हमारे स्टूडेंट्स के बीच में आ गया है कब आएगी हमारी आंसर शीट या क्या होगा तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा तो अपन ने एक शॉर्ट वीडियो बना के बताया था आपको कि एन ने ये साफ साफ बता दिया है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर आप सभी लोगों का आंसर की रिलीज़ कर दिया जाएगा और विद इन दैट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वीक तक आप सभी लोगों के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे ये चीज़ मैंने तब बनाई थी जब 23 तारीख को हमारे 23 जून को हमारे एग्जाम खत्म हुए थे तो उसी के अगले दिन मैंने आपको बता दिया था सब कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रहा है जैसे एन ने बोला था वैसे वैसे चल रही है चीजें तो विद इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी वर्किंग डेज आप सभी लोगों का रिजल्ट आ जाएगा ऐसा हमेशा से चला आ रहा था अगर मैं बात करूं 2019 वाले एग्जामिनेशन की जो नॉर्मल तरीके से हुआ था उसके बाद 2020, 21 और 22 थोड़ा डिस्टर्ब रही है साइकिल ड्यू टू ऑफकोर्स लॉकडाउन एंड बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशन हमारे बीच में आ गई थी तो इसी की वजह से इन तीनों टाइम ता, ता, को हम लोग कंसिडर ना करें और उन्नीस वाले टाइम को कंसिडर करें तो बिल्कुल वैसा ही चला था विद इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी वर्किंग डेज आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जनरेट हो गया था चाहे वो जून शिफ्ट के लिए हो चाहे वो आपका दिसंबर शिफ्ट के लिए हो तो सेम चीज यहां पर भी आप लोगों के लिए चलेगी तो कब आ सकता है क्या हो सकता है वो सारी चीजें इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाली हूं तो अगर आप अभी फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरा नाम अदिति है पेपर वन प्लस पेपर टू कंप्यूटर साइंस आप लोगों के लिए चैनल पर लेके आती हूँ चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं सभी के सभी वीडियोस जाकर देख सकते हो क्वालिटी एश्योरेंस कर सकते हो अगर आपको लगता है कि यस कुछ मीनिंगफुल यहाँ पर है तो आप अलाइन हो सकते हो और हमारे साथ में तैयारी कर सकते हो कंप्लीट पेपर वन प्लस पेपर टू के लिए आप सभी लोग जारे फटा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आप सभी लोगों के लिए सेवन्थ ऑफ जुलाई से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है इसमें दस परसेंट डिस्काउंट अर्ली डिस्काउंट हम दे रहे हैं आप अर्ली कीवर्ड को यूज कर सकते हो और अपना डिस्काउंट ले सकते हो तो कंप्लीट पेपर वन कंप्लीट पेपर टू कंप्लीट पेपर वन प्लस पेपर टू के साथ में उनकी टेस्ट सीरीज और पेपर टू की हैंडबुक ये सभी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइडेड है हेल्पलाइन नंबर है कॉल कर सकते हो और कोर्स को बाय कर सकते हो चलिए जी तो आती हूँ मैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि कब निकलेंगे दिसंबर के फॉर्म ठीक है ना तो सबसे पहली बात तो आप लोग जानते हो कि आपकी आंसर की आएगी ठीक है आंसर की आ गई उसके बाद में आपको पता है कि आप सभी लोगों के लिए जो है वो एक ऑब्जेक्शन विंडो जनरेट होगी ऑब्जेक्शन विंडो आप करोगे तो कुल मिला के दो से तीन दिन का समय आप लोगों को दिया जाएगा ऑब्जेक्शन डालने के लिए उसके बाद में आप सभी लोगों की जो है वो फाइनल की निकलेगी और फाइनल की के तुरंत साथ में आप लोगों का जो रिजल्ट है वो भी आप लोगों का निकल जाएगा अब ये इन्होंने बोला है कि ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर आएगा और जैसा मैंने बोला ना अगर मैं कंसिडर कर लूँ उन्नीस वाला टाइम दो वाला टाइम तो ये बिल्कुल अप टू डेट चल रहा है अकॉर्डिंगली वही फ़िफ्टीन टू ट्वेंटी वर्किंग डेज कि अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का रिजल्ट वगैरह सब आ जाता है वैसे ही चल रहा है है ना 20 को या फिर 21 को और 22 को नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि ये थोड़ी डिस्टर्ब साइकिल थी और हम लोग काफ़ी परेशान भी थे बट वी आर क्वाइट हैप्पी कि एनटीए ने इस बार जो है वो अपना प्रॉमिस निभाया है और एकदम तरीके से पेपर हुए हैं तो बात ऐसी है कि अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई अगर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की बात करूं जो कि स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है तो अगर बात किया जाए तो इस मंडे से लेकर इस सैटरडे के बीच में कभी भी आपकी आंसर की आ सकती है मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आंसर की ट्यूजडे या वेंसडे के अंदर आ जाएगी ऐसा मेरा इंट्यूशन कहता है पर हम सैटरडे तक का वेट अगर करके चले तो आप ये मान के चलिए कि कल मिला के अगर सात जुलाई को भी आप लोगों का आंसर किया जाता है छह जुलाई सात जुलाई को भी तो भी उसके बाद में आंसर की आएगा और तुरंत बाद ऑब्जेक्शन विंडो आप लोगों की जनरेट हो जाएगी तो नौ से दस जुलाई के बीच में ये सारी चीजें कंसिडर हो जाएगी इसके बाद में मैं मान के चलती हूँ कि पंद्रह जुलाई तक ठीक है आप लोगों का जो रिजल्ट है पंद्रह से बीस जुलाई के बीच में कभी भी है ना हो सकता है पंद्रह को ही आ जाए हो सकता है पंद्रह से बीस जुलाई के बीच में आप लोगों का जो रिजल्ट है मेरे हिसाब से वो जनरेट हो जाएगा फाइनल अब बात आती है कि फिर दिसंबर वाले फॉर्म्स कब आएंगे तो ये चीज़ आप मान के चलिएगा कि पूरा का पूरा अगस्त महीने के अंदर आपके फॉर्म्स नहीं निकलते हैं इस दौरान आप लोगों के लिए नोटिस आ जाएंगे कंप्लीट आप लोगों को स्केड्यूल दे दिया जाएगा डेट स्केड्यूल्स कि कब क्या होगा कैसे होगा वो पूरा स्केड्यूल एंट्री आपके लिए जनरेट कर देगा सेप्टेंबर के अंदर आप सभी लोगों के फॉर्म्स आ जाएंगे और दिसंबर के लिए आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और मेरे हिसाब से दिसंबर के अंदर ही उसका रिजल्ट भी निकल सकता है जैसे 2019 वाला जो एग्ज़ाम था मेरा एग्जामिनेशन था 31 दिसंबर को बोला था रिजल्ट आएगा रिजल्ट आ गया था तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम चल रहा है अगर देखा जाए तो आप सभी लोगों के पास में कुल मिला तैयारी करने के लिए मैं बोलूँ तो एक से एक सौ पचास अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तो वो इतना ज़्यादा समय भी नहीं है तो मेरे हिसाब से अगर अभी भी आप बैठे हो वेट कर रहे हो कि रिजल्ट के बाद शुरू करेंगे या ये होगा या वो होगा तो मैं आपको फिर से याद दिला दूँ रिजल्ट जो भी हो ऐसा तो है नहीं ना कि ये रिजल्ट आते ही बहुत ही कुछ चेंज हो जाएगा आगे की तैयारी तो हमको फिर भी करनी है क्योंकि ये तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यूजीसी नेट होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने के लिए तो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉग करना जरूरी है इंटरनली और भी बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही है चाहे वो पी एच डी एंट्रेंस हो रिसर्च एसोसिएटेड टीचिंग एसोसिएट हो टीचिंग वैकेंसीज हो बहुत सारी पाइपलाइन में निकल रही है तो ये टाइम रिदम वाला टाइम है अभी आपकी बॉडी आपका माइंड रिदम के अंदर है तैयारी करके आए हो इस रिदम को तोड़ दोगे तो दोबारा से रिदम में आने के लिए फिर टाइम लगेगा और फिर हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए तो मैं आपको ये कहूंगी रिजल्ट अच्छा आए अच्छा ना आए दोनों ही कंडीशन में तैयारी को कंटिन्यू करो ठीक है जी मेरा तो आपको यही कहना है बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जवाब था आई अन सवाल था तो मैंने का छोटा सा एस्टिमेशन लगाए ये टोटली मेरे पे एक इंट्यूशन के बीआफ़ पर मैं आपको बता रही हूँ एक प्रीवियस एनालिसिस के बिहाफ़ पर आपको बता रही हूँ हो सकता है कि ऐसा ना हो, हो सकता है डेट में कुछ चेंज हो जाए तो वो डेफिनेटली हो सकता है बट जहाँ तक मुझे लगता है एनालिसिस करके रिसर्च करके ही आपके लिए वीडियोज़ आज तक बनाए हैं और ऑलमोस्ट सही गया है अब तक तो बट फिर भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मुझे ही सब कुछ पता है मैं बोल रही तो हो ही जाएगा हाँ ये ज़रूर है कि मेरे हिसाब से ये आप लोगों का एक पूरा टाइमलाइन रह सकता है तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटा आप लोगों के पास में 140 से 150 सौ दिन है कुल मिला के जिसकी तैयारी आप लोगों को करनी है उसकी तैयारी आज से शुरू करो वेट नहीं करना है ठीक है सात जुलाई से अपना नया बैच स्टार्ट हो रहा है ज्वाइन करना चाहते हो तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो डायरेक्टली भी जे आर एप्लीकेशन पर जाके आप कोर्स बाय कर सकते हो मैं मिलूंगी आप लोगों से रात को नौ बजे हमारे आज के नए सेशन के साथ में जिसके अंदर मैं आप सभी लोगों से बात करने वाली हूं आईसीटी यूनिट की फ्रॉम दी बेसिक्स ठीक है तो आईसी इन बिट्स करके एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो रात को नौ बजे मिल सकते हैं थैंक यू सो मच बाय बाय एंड टेक केयर